गुड इवनिंग एवरीवन। विल बी स्टार्टिंग इन फ्यू मोर मिनट्स। प्रिय श्रोता मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में, जो कि हम UGC रिकग्नाइज्ड सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइंसेस के माध्यम से प्रसार कर रहे हैं। ये जो एपिसोड है हम शुरू कर रहे हैं हमारे पूर्व विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने के लिए, ताकि बाकी जो विद्यार्थी मित्र है वो उनसे प्रेरणा ले सके। तो इससे पहले कि हम ये पहला एपिसोड आज का स्टार्ट करें, सक्सेस स्टोरीज ऑफ एलुमनाई और SRKI स्टार्स टॉक विद दी एलुमनाई, मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कहना चाहूँगी। हमारे इंस्टीट्यूट सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है और हम BSc और MSc के विविध कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विविध कार्यक्रम उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारी संस्था के अलावा और दूसरी 7 संस्थाएं जुड़ी हुई है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, लॉ और कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई प्रोग्राम्स चलाती हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट है, मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ उनको इंट्रोड्यूस करते हुए। वे हमारे इंस्टीट्यूट से BSc कर चुके हैं और इनका नाम है मिस्टर मयंक मनोज शर्मा। अगर इनका इंट्रोडक्शन देते हुए बात की जाए तो हाल अभी मनोज शर्मा जी टेक्निकल डायरेक्टर की तरह मयंक एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने BSc बायोटेक्नोलॉजी श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट से की हुई है। BSc के बाद उन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेसिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त किया हुआ है। इसी मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपनी थीसिस प्रसारित की थी, जिसके थ्रू उनको मास्टर्स डिग्री अचीव हुई है, जो कि थीसिस थी कि प्रोबायोटिक्स कैसे श्रिम्प कल्चर, एशिया की श्रिम्प कल्चर इंडस्ट्रीज के साथ उनको अच्छा बढ़ावा दे सकती है, कैसे उनकी मदद कर सकती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ही रह चुके हैं मयंक शर्मा जी, तो वो कितने मेहनती है और कितनी लगन से उन्होंने अभी तक की अपनी पदवी जो है वो हासिल की है। तो चलिए आज उन्हीं की सक्सेस स्टोरी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो आज मयंक जी प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन एक्वाकल्चर टॉपिक पे बात करेंगे। यदि पूरे टॉक के दौरान किसी को कोई भी प्रश्न आता है, कोई डाउट आता है, तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में हम ये सारे सवाल अगर हो सकते हैं ट्राई करेंगे कि उन सभी सवालों के निवारण किए जा सके, उनके सही सही उत्तर दिए जा सके। आज के हमारे गेस्ट मयंक शर्मा जी से मैं उनको डिलीवर करती हूँ अपना स्टेज कि वो अपना टॉक शुरू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द ओवर टू यू इंट्रोडक्शन. मयंक शर्मा जी। थैंक यू. एंड सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक सार्वजनिक यूनिवर्सिटी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है आज टॉक डिलीवर करने के लिए आप सबके सामने. सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एमिनेंट प्रोफेसर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो सार्वजनिक यूनिवर्सिटी का पार्ट है. क्यों इसके लिए क्यों जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं वॉरविक यूनिवर्सिटी में यूके में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है, बट जो मेरा बैचलर्स का जो बेसिक फाउंडेशन था जो मेरा 3 इयर्स का, वो यहाँ यूनिवर्सिटी में रह के मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, मुझे गाइडेंस भी अच्छी मिली है, और यही जो बेसिक फंडामेंटल्स है मुझे कहीं ना कहीं आगे एक प्रोग्रेसिव और एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बनाया है. तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड सार्वजनिक यूनिवर्सिटी का. सो मेरी टॉक आज मैं प्रोस्पेक्ट्स एंड एक्वाकल्चर के बारे में बात करना चाहूँगा, बट मेरा मेन जो समरी है जो मैं आपको टॉक के पहले बोलना चाहता हूँ वो है कि एक्वाकल्चर में क्या पोटेंशियल है, उसमें क्या एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए और जो भी स्पेक्टेटर्स आज है हमारे सामने उनके लिए, और दूसरा कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है एक्वाकल्चर में. सो आई विल जस्ट स्टार्ट. सो मैम विजिबल है स्क्रीन? हेलो हेलो सो टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्ट्स एंड एक्वाकल्चर, सो वाई एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर की क्या जरूरत है? सो सबसे पहली चीज है कि पॉपुलेशन का राइज, दूसरा है ग्लोबल फूड डिमांड का राइज. ऑफकोर्स एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है सो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फूड की स्कैर्सिटी और डिमांड भी आगे बढ़ेगी, राइज इन माल न्यूट्रिशन स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस में. चौथा है राइज इन सी फूड फिश डिमांड, और पांचवा है जो महत्वपूर्ण है वो है कि राइज इन अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ. सो COVID-19 पैंडेमिक के बाद आप सभी जानते ही होंगे कि फिटनेस न्यूट्रिशन और हेल्थ अवेयरनेस में काफ़ी लोग ध्यान और नज़र रखते आए हैं, और इसमें ही एक्वाकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा योगदान प्ले कर सकते हैं. सो जस्ट एक इंडियन एक्वाकल्चर का सिनेरियो देना चाहता हूँ कि कंट्री का एरिया अराउंड 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, कोस्ट लाइन का लेंथ है 8118 किलोमीटर्स, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया है 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है 0.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का. अब आते हैं एक्सपोर्ट सिनेरियो पे, तो टोटल फिश प्रोडक्शन जो है मराइन और इनलैंड का वो अराउंड 14.15 मिलियन मेट्रिक टन्स है, तो आप 14 लाख टन कह सकते हैं, और शेयर ऑफ इनलैंड जिसमें है वो हाई है, मराइन का कंपेरेटिवली लो है. टोटल अगर फिशरीज एक्सपोर्ट्स का आप वैल्यू आंकना चाहते हैं तो वो है 46,662 करोड़, जिसमें श्रिम्प प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो है अराउंड 8 लाख टन्स, और टोटल वैल्यू ऑफ श्रिम्प जो फिशरीज एक्सपोर्ट में है वो ही नियरिंग करती है 38,000 करोड़ की. कंपैरेटिवली डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन इन श्रिम्प इज हाई. सो मेजर टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर, पहला है मराइन एक्वाकल्चर, फिर आता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, और तीसरा आता है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर. अब कल्चर प्रैक्टिसेस की बात किया जाए तो जस्ट एक शॉर्ट समराइज करना चाहूंगा कि हमारे पास वाटर बेस्ड सिस्टम्स है जिसमें कल्चर पॉन्ड्स हो सकते हैं, केजेस, पेंस, इनशोर एंड ऑफशोर, मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा. फिर है लैंड बेस्ड सिस्टम्स जिसमें इरिगेटेड फ्लो थ्रू सिस्टम्स, रेसवेज और रेनिफाइड पॉन्ड्स में भी हो सकते हैं. आप फिर आपके पास आता है रिसाइक्लिंग सिस्टम्स जिसमें एनक्लोज हाईटेक सिस्टम्स होते हैं जो रिसर्कुलेशन बेस पे काम करते हैं, और फिर फोर्थ आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसमें आप बेसिकली एक्वाकल्चर का इंटीग्रेशन आप लाइफ स्टॉक से कर रहे हैं, मे बी पोल्ट्री, पिग्स, मे बी वेजिटेशन क्रॉप्स,
फॉर एग्जाम्पल अगर कर सकते हैं तो फिशेज और लेमन ट्रीज के साथ समथिंग लाइक हॉर्टिकल्चर. एक्वाकल्चर की सप्लाई चेन की बात की जाए तो सबसे पहले ऑफ कोर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर फार्मर है, फिर आते हैं डीलर, सब डीलर, जो मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कवर करूंगा. सो डीलर है, सब डीलर है, प्रोसेसिंग है, फिर एक्सपोर्ट मार्केट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, और आखिरी में वहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चेन में रिटेल मार्केट है. वैसे ही अगर आप डोमेस्टिक में आप बात करें तो फार्मर से डीलर, डीलर से सब डीलर्स, फिर होलसेलर्स, वेंडर्स, और फिर आखिर में कंज्यूमर. एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है? सो सबसे पहले है फीड, फिर आता है सीड, देन मेडिसिन जो हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल श्रिम फार्मिंग में तो वो हेल्प करती है श्रिम को प्रॉपरली ग्रो करने में, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देती है ग्रो करने के लिए. फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑफकोर्स फार्म में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बेसिक रूम्स या जो भी है उसकी भी ज़रूरत है. फिर है एनर्जी, फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़रूरत है एक्वाकल्चर ग्रेजुएट्स की या जो भी जो बहुत ही थरो है और काफ़ी ज्ञानी है इस फील्ड में. फिर आता है प्रोसेसिंग मार्केट, और फिर है आखिरी में दी मार्केट जो एक कंज्यूमर बेस्ड है. तो मैं ब्लू रेवोल्यूशन गुजरात में जो हुआ है मैं उसकी सिर्फ आपको एक छवि देना चाहता हूँ कि श्रिम्प फार्मिंग की जो बिगिनिंग है गुजरात में वो जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत में हुआ है. तो सूरत एक इकोनॉमिक कैपिटल है गुजरात स्टेट का जो फेमस है ऑफकोर्स टेक्सटाइल और डायमंड के लिए. बट गुजरात में सूरत में अगर आप ऐसे देखा जाए तो एक अनआइडेंटिफाइड पोटेंशियल है जो है कि अब लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है ऐसे फिशरीज डिपार्टमेंट से लेकर सब लोगों ने, वो है कि 24,300 हेक्टर्स ऑफ पोटेंशियल ब्रैकिश वाटर एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1995-96 में एक उलपाट डांडी उलपाट विलेज में इसकी शुरुआत हुई थी जहाँ पे 6 पॉन्ड्स में सबसे पहले ट्रायल बेस हुआ था, जहाँ पे वो सक्सेस देख के आज अगर आप आज की डेट में देखो तो सूरत में 2700 कल्चर पॉन्ड्स है और जिसमें से 18,000 टन ऑफ श्रिम्प वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का प्रोड्यूस होता है एनुअली. बात की जाए पूरे एक एसोसिएशन की गुजरात की, सो ऐसे ही छोटे छोटे एसोसिएशन सूरत, वलसाड, भरूच, नवसारी, वो एक साथ एकजुट होके एक गुजरात एक्वाकल्चर एसोसिएशन का निर्माण हुआ था. और उस गुजरात के स्केल में अगर हम देखें इसे तो 45,000 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम्प्स रेज होते हैं और वो भी अराउंड 6,500 हेक्टर्स ऑफ लैंड में. एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हेक्टर लैंड में से 7 टन्स ऑफ श्रिम्प्स प्रोड्यूस हो रहा है. जस्ट एक ब्रीफ कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी मायंग एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड जो 250 हेक्टर्स ऑफ श्रिम्प फार्म गुजरात में ओन करता है, वन ऑफ द पायनियरिंग कंपनीज है श्रिम्प फार्मिंग में. एंड आवर फार्म्स आर कवर्ड अक्रॉस सूरत, भरूच, भावनगर डिस्ट्रिक्ट्स. और एज अ पायनियर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक और सेफ श्रिम्प प्रोवाइड करें हमारे एंड कंज्यूमर्स को. सो टॉकिंग अबाउट फार्मिंग डेवलपमेंट गुजरात में कैसी हुई है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डुमस एरिया जो है एक सैटेलाइट इमेजिंग जो 2009 में है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े गिने चुने फार्म्स हैं. बट वही अगर आप सैटेलाइट इमेजिंग 2018 की देखें तो यहाँ कितना ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, एक इनॉर्मस स्केल पे डेवलपमेंट जो हुआ है आप देख सकते हैं. लाइकवाइज उलपाड़ में भी आप 2005 की सैटेलाइट इमेजिनरी देख सकते हैं, और वही आप अगर उसमें बाद में देखें तो एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है श्रिम्प फार्म का वो हुआ है. कल्चर स्पीशीज जो है दो वो मेन है, एक पीनियस मोनोडॉन है और दूसरा है वेनामी होता है. जस्ट एक छोटा फाइनेंशियल आउटले देना चाहूंगा कि अगर आप एक अजम्पशन रखें कि आपका यूनिट एरिया 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड है जिसमें आपका वाटर स्प्रेड 4 हेक्टर्स है और आपका ईच पॉन्ड का साइज अगर आप 0.7 हेक्टर से गिनते हैं और एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है आप बोल रहे हो कि 40 टन पर ईयर है, सो इसमें आपका इजिली एक पोटेंशियल है आफ्टर कवरिंग योर कैपेक्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट आप आराम से एक इंडिविजुअल ग्रॉस इनकम 40 लाख की जनरेट कर सकता है इसमें, विच इज क्वाइट हाई. हाइलाइट्स की अगर मैं श्रिम्प फार्मिंग डेवलपमेंट की बात करूं गुजरात में, सो सबसे पहली चीज है कि वेस्टलैंड जो कि सॉल्ट अफेक्टेड बिन उपजाऊ जमीन जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, सो एक्वाकल्चर ने ये एक मीडियम प्रोवाइड किया है कि उसे बेस्ट प्रोडक्टिव लैंड बनाने का, जिससे लाखों लोगों के लाइफ में परिवर्तन आया है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बदला है और वो खुद एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंटिटी बने हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कोस्टल विलेजेस में जो रिवर्स माइग्रेशन है, जहां मतलब रूरल लोग जो अर्बन सिटीज में जॉब की खोज में इसमें जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स फॉर एग्जांपल, सो वो भी अब इस एक्वाकल्चर के माध्यम से उन्हें अपने ही जगह पे एक
रोजगार का एक स्टेबल रोजगार का माध्यम मिला है, और उसके साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर एक सुविधा मिल रही है अब जहाँ पे श्रिम फार्म्स डेवलप हुए हैं। एक लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में ही अराउंड 10,000 ओडिशा लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के। ऑफ कोर्स एक जो लक्ष्य है वो है कि सपोर्ट फूड एंड सेफ्टी थ्रू एक्वाकल्चर, और एक फॉरेन रेवेन्यू अर्नर है थ्रू एक्सपोर्ट से। श्रिम फार्मिंग डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल की अगर बात करें तो अब तक जो है वो डेवलप हुआ है 6,500 हेक्टर्स ही, बट आप देख सकते हैं कि टोटल ब्रैकिश वाटर एरिया जो अवेलेबल है वो ही है कि 3,76,000 हेक्टर्स की। सो अभी तो सिर्फ 1.8% जितना डेवलप हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसका 25% भी डेवलप हुआ सो मोर देन 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है इसमें फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में। जस्ट एक स्मॉल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का स्केल की एक लैंड या एक फार्म जो है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। सो आप देख सकते हैं कि फीडिंग, पंप स्टेशन, वॉचमैन, फार्म कंस्ट्रक्टर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब मिला के 4 जन हो सकते हैं एक एम्प्लॉय। फिर आ सकता है कि जो भी टेक्निकल चीजें जो रिक्वायरमेंट है एक श्रिम्प इंडस्ट्री में, ब्रूड स्टॉक, हैचरी, फीड प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मार्केट, इलेक्ट्रिक्स या मैकेनिकल का वर्क या मिसेलिनियस वर्क है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो अप्रोक्स 10 जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की क्षमता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ लोगों की, जैसे कि श्रिम फार्मिंग ने ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो दी है लोगों को, काफी लोगों को काफी लार्ज स्केल पर एंटरप्रेन्योर भी बनाया है, बट उसके साथ साथ ही कहीं लाखों लोगों के जो गरीब है जिनके पास कोई माध्यम नहीं था कोई बिजनेस करने का या फिर कोई पोटेंशियल भी नहीं था, तो वैसे लोगों को भी एक रूरल स्केल पे काफी सपोर्ट किया श्रिम फार्मिंग ने। तो इसके एग्जाम्पल है एक अमी इंजीनियरिंग वाले जो शैलेश भाई पंचाल है। सो आप इफ यू कंसिडर कि 10,000 पॉन्ड्स है तो एक एक में 2 मोटर्स भी लगेंगे, सो ऐसे 20,000 मोटर्स का सेल होता है, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस से लेके सब कुछ का कैरी आउट हो सकता है। फिर है प्रकाश भाई पटेल जो वुडन वर्क के लिए है, और जो मतलब फार्म्स पे वुडन बेस्ड जो चीज़ें लगती है उसका सप्लाई होता है। फिर आप देख सकते हैं कि श्रवण भाई जो ट्रैक्टर है सो ट्रैक्टर सप्लाई करते हैं, ट्रैक्टर का काम करते हैं, सो बेसिकली 1 क्यूबिक मीटर में वो लोग 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड आवरली बेसिस पे 230 रुपीज़ जितना चार्ज होता है। ड्राइवर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर श्रिम्प इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे फीड भी लगता है, मेडिसिन भी लगता है, तो इसका पूरा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में भी काफी है। जैसे फीडबैक एक एक ट्रक में 3-3 टन फीड सप्लाई होता है। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे श्रिम को हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी फ्रेशनेस है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आइस भी लगता है, ब्लॉक्स ऑफ आइस आर रिक्वायर्ड, सो वो चीज में आइस फैक्ट्री भी साथ साथ में डेवलप हो गए। फिर प्रोविजन स्टोर्स, ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट है, लेबर्स है, फार्म पे काम कर रहे हैं, तो उनका सब फूड से लेके हर एक जो सुविधा है तो आजू बाजू में अवेलेबल करने के लिए वही लोगों को एक माध्यम मिल गया कि एक प्रोविजन स्टोर ओपन कर दिया उन्होंने, जिसकी हेल्प से वो लोग खुद भी एक बिजनेस अर्निंग कर सकते हैं एक एंसिलरी वे में। एंसिलरी मतलब कि श्रिम्प फार्म के पॉन्ड के रिलेटेड नहीं, बट उसके अलावा भी बाहर से भी वो बिजनेस कर पा रहे हैं वो एरिया में। फिर पेट्रोल पंप्स भी ओपन हो गए हैं, अप्रॉक्स अगर उल्पाड़ का ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं जो त्यार भाई शेख का है वही अराउंड 200 करोड़ जितना डीजल का व्यापार करते हैं। फिर है गेला भाई पटेल जो पॉन्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो आप अगर पॉन्ड्स कुछ हाईटेक पॉन्ड्स है या फिर जो भी पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर है, वो सब भी ये कैरी आउट करते हैं ऐसे लोग। फिर वाटर टैंक सप्लाई की भी जरूरत होती है। अब टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड, सो मैंने ये सिर्फ कवर किया है कि श्रिम फार्मिंग के हेल्प से कितने लोगों को रोजगार मिला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक लाखों लोगों को इसमें बेनिफिट हुआ है। बट अभी आगे अगर इसकी बात हम करें तो दूसरे ऐसे काफी फील्ड्स है जहां पे भी एक्वाकल्चर का डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि इनलैंड कल्चर में अगर आप लेक रिजर्व या डैम में भी कर सकते हैं। फिर ये कुछ पिक्स है, फिर आप ओपन सीकेज कल्चर भी कर सकते हैं, फिर सीवीड कल्चर भी एक है पोटेंशियल। अगर जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी फेवरेट सब्जेक्ट है एंड वो काफी मानते हैं कि सीवीड का एक अच्छा पोटेंशियल है, और स्पेशली द पीपल फ्रॉम गुजरात, आपको जानकर खुशी होगी कि सीवीड का काफी पोटेंशियल है गुजरात में। सो रिसेंट फोकस ऑन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, सो रिलायंस जैसे कि मैंने पहले कवर किया था कि श्रिम्प डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन जो है वो इंडिया में हाई है कंपैरेटिवली इन कंपेयर टू श्रिम्प्स। सो श्रिम्प्स पहले से ही एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में ही फंक्शन किया है, और इसके लिए वजह से उसे इंडस्ट्री को काफी वल्नरेबिलिटी है
इसके लिए डोमेस्टिक मार्केट जो टैप करने का पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में वो काफी हाई है और एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए। सो झिंगालाला एंड इट्स विजन फॉर डोमेस्टिक मार्केट, ये हमारी कंपनी का एक वेंचर है जो हमने सूरत में स्टार्ट किया है एज अ रेस्टोरेंट झिंगालाला, एक पॉन टू प्लेट कंसेप्ट जो बेसिकली है कि एक ट्रेसेबिलिटी की श्रिम्प, एक हाई ऑर्गेनिक श्रिम्प एक पॉन्ड में ग्रो हो रहा है और वही आपके रेस्टोरेंट में आपके डिश के सामने वो आपको सर्व हो रहा है। सो झिंगालाला वो स्टार्टेड, वो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेस्को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो हाई क्वालिटी श्रिम्प सर्व करता है। इसका मेन आइडिया जो उद्देश्य था वो यही था कि श्रिम्प कंजम्पशन को प्रमोट किया जाए पूरे कंट्री में, कि उसके क्या बेनिफिट्स है और लोगों को उसके खाने से क्या और फायदे भी हो सकते हैं शारीरिक वे में भी। झिंगालाला सर्व्स अराउंड 45 प्लस श्रिम्प डेलिकेसीज। ये रेस्टोरेंट का जस्ट एक व्यू है सम ऑफ द डिशेस। झिंगालाला फ्रेश एक रिटेल वेंचर है जहाँ पे पॉन्ड इतना पॉन्ड बेस्ड श्रिम्स है जिसका हम सेल्स करते हैं। अब जो भी यहाँ स्पेक्टेटर्स है एस्पेशली स्टूडेंट्स जो ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए एग्जिस्टिंग, सो वो ये है कि आप ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पे फोकस कर सकते हैं, ऑफकोर्स सीवीड ऑर्नामेंटल फिशरीज मराइन फिशरीज है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसके बारे में मैं आगे आपको इसके बारे में और इनडेप्थ बात करूंगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं आप फीड सीड और मेडिसिन में, और डोमेस्टिक मार्केट इंटरवेंशन जैसे कि झिंगालाला है वैसे आप एक डोमेस्टिक मार्केट कैंपेन या श्रिम्प अवेयरनेस आप जागरूक कर सकते हैं लोगों में, रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप एक्वाकल्चर में एंड इवन न्यूट्रिशनिस्ट। न्यू ट्रेंड्स ऑफ फोकस जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो मोस्टली जो स्पीशीज है वो है पोम्पानो तिलापिया मुगिल सिफेलस ऑर्नामेंटल स्पीशीज पे सीवीड्स पे है फोकस। टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो बायोफ्लॉक फार्मिंग है, रिसर्कुलेशन सिस्टम है, मल्टीफेज फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉफिक फार्मिंग है जैसे मैंने आपसे बात की हॉर्टिकल्चर या पॉलीकल्चर टाइप्स, और ऑफकोर्स एक्वाकल्चर डिजीजेज जो है वो नेवर एंडिंग है। सो इमेंस पोटेंशियल इसमें क्लियरली एविडेंट है कि बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर का। सो कैसे, सो वेयर बायोटेक्नोलॉजी कैन प्ले रोल इन एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी काफी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है एक्वाकल्चर में, जो मेन है कि प्रोडक्शन लॉसेस को सॉल्व करना, जो है कि डिजीज प्रिवेंशन की अगर बात किया जाए तो उसके पहले अगर हम देखें तो डिजीज डिटेक्शन और डायग्नोसिस है, फिर आप न्यूट्रिशन पे इम्प्रूव कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल फीड है, एक सादा फीड है जो यूज हो रहा है अभी श्रिम फार्म पे, तो क्या आप उस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से फीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसका प्रोटीन कंटेंट अल्टर कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा एक सस्टेनेबिलिटी जो बात है आज फीड इंडस्ट्री में कि लोग काफी चाहते हैं कि उनका जो फीड प्रोड्यूस जो हो रहा है वो सस्टेनेबल हो, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल आप बहुत हाईली रोल प्ले कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल इंसेक्ट मील पे भी काफी लोग रिसर्च करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। सो हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे तो उनकी पूरी हमने एक टीम देखी कि जिसमें वो लोग इंसेक्ट मील पे काम कर रहे हैं, सो उसमें क्लियरली एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जो काफी टेक्निकल क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं उनके इंसेक्ट मील के फीड मैन्युफैक्चरिंग में। जब बात दूसरी की जा सकती है वो है जेनेटिक्स और ब्रीडिंग की। सो ऑफकोर्स जो भी फिश स्पीशीज है श्रिम्स है सो उसमें आप इजिली जेनेटिक्स का रोल भी बायोटेक्नोलॉजी प्ले कर सकता है, वो है कि पूरा मैपिंग हो सकता है उसके जो भी जीन्स है जीनोम्स है उसमें क्या और ब्रीडिंग हो सकती है, क्या एफिशिएंटली ब्रूड स्टॉक्स या श्रिम्प्स के जो सीड्स है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं कि नहीं। डिजीज प्रिवेंशन, सो टॉकिंग अबाउट श्रिम्प फार्मिंग, सो श्रिम्प फार्मिंग में काफ़ी डिजीजेज है, जैसे आप एक वायरल डिजीज समझ लीजिए जो है व्हाइट स्पॉट डिजीज। सो व्हाइट स्पॉट डिजीज का भी आज तक डिजीज डायग्नोस्टिक्स तो है पर उसका प्रॉपर एक पक्का मुद्दा उसका क्योर नहीं है अभी भी मार्केट में। सो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि मोर देन 50% ऑफ प्रोडक्शन लॉस जो है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो है ऐसे व्हाइट स्पॉट डिजीजेस में। ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल डिजीजेस भी होते हैं, फंगल भी होते हैं। सो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को मैं जरूर एक बूस्टिंग नॉलेज या जो भी वे में आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप जरूर इसमें फोकस कर सकते हैं इस फील्ड में। अब बात किया जाए सक्सेस स्टोरीज की, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय फादर डॉक्टर मनोज शर्मा जो वन ऑफ द पायनियर्स हैं श्रिम फार्मिंग डेवलपमेंट गुजरात में, जिन्होंने शुरुआत की थी 94 में एज एन टेक्नीशियन। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डॉक्टर मनोज शर्मा को। सो उन्होंने शुरुआत एज ए टेक्नीशियन की थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो श्रिम फार्मिंग डेवलपमेंट जो हुआ है आज के डेट तक गुजरात में उसमें इनका काफ़ी क्रूशल रोल हुआ है।
ये पिक में आप देख सकते हैं कि एक पोर्श, एक हाई लग्जरी कार में एक पर्सन देख सकते हो। आप सोच रहे होंगे शायद कि ये कोई मॉडल है या कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, बट जबकि ही इज अ श्रिम्प फार्मर। सो इनका नाम है मिस्टर राहुल भगवागर। सो आज के डेट में ये कॉपरेटिव मॉडल में काफी सारे फार्म्स ओन करते हैं, काफी फार्मर लोगों के साथ मिलकर उन्होंने, ही ऑपरेट्स मोर देन 100 फार्म्स और ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेशन है वो होता है। मिस्टर जिग्नेश कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे हैं जिन्होंने उनकी शुरुआत एक एज ए मेडिसिन सप्लाई चेन में इसमें स्टार्ट की थी, ऑफकोर्स एक्वाकल्चर में ही, और आज की डेट में इनका खुद का सेल्फ वर्थ होगा अराउंड 200 करोड़, जो यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो इनकी जिगलर फीड की वो भी गुजरात में एस्टैब्लिश्ड है। सो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है एक्वाकल्चर ने, और ऐसे काफी सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप की वेव भी जनरेट किया एक्वाकल्चर ने, जिसका ध्यान सभी आप स्पेक्टेटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सो अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो उसका मेन उद्देश्य है कि प्रोडक्शन को डबल किया जाए, एक्सपोर्ट्स को डबल किया जाए और ऑफकोर्स ग्रासरूट लेवल पे फार्मर्स की इनकम डबल की जाए। टोटल आउटलेट 20,000 करोड़ का है। जस्ट ब्रीफ में एक पिक्चर है बस आपको देखने के लिए आउटले के बारे में। सो मेन मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए, आप देख सकते हो वेबसाइट्स पे फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज या दूसरी गवर्नमेंटल बॉडीज जो है फिशरीज को लेके वो काफी एम्फेसाइज और बूस्ट कर रही है कि एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन, कोई भी एक्वाकल्चर करिए, आप श्रिम फार्मिंग करिए, फिश करिए, सीवीड करिए, तो इमेंस पोटेंशियल है इसमें फूड और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लोगों के लिए। इट्सेल्फ स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं एक्वाकल्चर में, और ना ही एक्वाकल्चर, आप बायोटेक्नोलॉजी को भी एज ए सब्जेक्ट अगर आप परस्यू करेंगे इसे, तो बायोटेक्नोलॉजी भी आपकी हेल्प करने वाला है एक्वाकल्चर के साथ जुड़ने में, जिसमें आप उनकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम से लेके काफी इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ये सम ऑफ द पिक्चर्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है फिशरीज सेक्टर के लिए। सो आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्वाकल्चर की जो ताकत है वो अगर यूथ के हैंड ओवर किया जाए सो वो एक इमेंस वेव ऑफ डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है नेशन के लिए भी और उनके लोगों के लिए भी। सो लास्ट में कंक्लूड करते समय मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर एज एन ओवरऑल अगर आप उसे देखें तो सिर्फ आप उसे पॉन्ड कल्चर तक लिमिट मत करिए, आप उसके अलग अनगिनत पोटेंशियल्स है, आप फार्मर बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप श्रिम प्रोडक्ट्स या एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन नेटवर्क में पार्ट ले सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजीज बन सकते हैं तो आप खुद की लैबोरेटरी ओपन कर सकते हैं डायग्नोस्टिक्स की, मे बी आप में से कोई बहुत पोटेंशिएटेड हो तो आप एक फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरा थीसिस प्रोबायोटिक्स पे किया है, सो वैसे आप एक प्रोबायोटिक कल्चर, एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स का प्लांट ओपन कर सकते हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस और एंटीबायोटिक फ्री श्रिम फार्मिंग या एंटीबायोटिक फ्री एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर में जैसे जिन्हें इंटरेस्ट है वो तो ये परस्यू करें ही, बट बायोटेक्नोलॉजी जो है, एज मी बीइंग अ पार्ट, मैं एक एलुमनाई जो हूँ आज श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज का, सो मैं ये जरूर मानता हूँ कि मेरी बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कहीं ना कहीं मुझे एक्वाकल्चर सेक्टर में काफ़ी काम आ रही है, और मेरी यही विनती और यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सेक्टर को जरूर एक्सप्लोर करें क्योंकि इसमें सही में काफ़ी अनटैप पोटेंशियल है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट टू ऑल द स्पेक्टेटर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मयंक, सही में आपने बहुत प्रेरणादायी और विद्यार्थियों को सही इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे एक्वाकल्चर ने सही में सूरत और गुजरात में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और कैसे बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे वो हेल्प कर सकते हैं इस एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को और पनपने में। अब कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मयंक, थोड़े से बेसिक सवाल ही है क्योंकि हमने तो आपको पढ़ाया है, सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी और ये आपको निवेदन करती हूँ कि आप विद्यार्थी को बताएं कि कैसे क्या टिप्स है जो फॉलो कर सकते हैं ताकि वो एक्वाकल्चर में आगे बढ़ सके, कैसे वो इस करियर को परस्यू करने के लिए क्या क्या और डिग्रीज कुछ और पढ़ने के लिए कुछ कोर्सेज करने के लिए क्या क्या और अवेलेबल है
इंडिया में अब्रॉड में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? सो मैम, इंडिया की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स अभी जो अगर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, एक्वाकल्चर का तो है ही डिपार्टमेंट, एक्वाकल्चर की स्टडीज तो है ही। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन में जा सकते हैं, वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो उसके में। और ऐसे अनगिनत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी भी है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो भी मराइन साइंस और बायोटेक्नोलॉजी को साथ में इंटीग्रेट करके भी वो लोग पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप फॉरन में देखें तो काफ़ी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी परस्यू किया है। सो फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, सो वो एक्वाकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी को साथ में रख के पढ़ाई कराता है टेक्निकल वे में। नो डाउट वो कोर्स काफ़ी अच्छा है अगर लोगों को जिनको रिसर्च वे में और बायोटेक्नोलॉजी वे में, टेक्निकल वे में जो आगे बढ़ना है उसमें कर सकते हैं। बट मेरा उद्देश्य हमेशा एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और एक जॉब जनरेटिंग वे का था। सो उसकी वजह से आई ऑलवेज थॉट कि वॉरविक यूनिवर्सिटी में जाने से एक टेक्निकल नॉलेज जो मेरा फाउंडेशन है, जो रामकृष्ण इंस्टीट्यूट से मुझे काफ़ी उसमें हेल्प हुई है, वही मैंने टेक्निकलिटी जो है, जैसे आप जानते हैं कि फॉरेन में काफ़ी प्रैक्टिकलिटी काफ़ी है, ऑफकोर्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो भी जानते हैं, बट जो टेक्निकल फाउंडेशन है, जो बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, वो आई थिंक इन बींग एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड कि हमारे टेक्निकल फाउंडेशन काफ़ी अच्छे हैं कंपेरेटिवली। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ऑफकोर्स एक्सपोजर कीजिए आप खुद को, सिर्फ पढ़ाई के सीमित तक उसे मत रखिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फार्म विजिट्स करिए, आपका एक्सपोजर जितना हो सके उतना बढ़ाइए। भले आपको अगर स्टार्टिंग में सैलरी या कुछ ऐसा भी ना हो एक्वाकल्चर स्टूडेंट्स के लिए या इवन बायोटेक्नोलॉजिस्ट, पर एटलीस्ट आप जाओगे करोगे एक अच्छे लीडर, या कोई भी जगह पे आप जॉब कर रहे हो तो एक अच्छे बॉस या अच्छे सीनियर अथॉरिटी पर्सन के साथ अगर आप इस चीज़ को सीखोगे समझोगे तभी इसमें आप आगे बढ़ सकोगे। इट इज़ सो आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट टेक्निकल फाउंडेशन काफ़ी ज़रूरी है, बट आप एक एक्सपोजर बेस भी अगर आप आपका एक पर्सपेक्टिव अगर बढ़ाओगे, चारों दिशाओं से इसमें अवेयर हो जाओगे पूरे सब्जेक्ट के बारे में, सो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती स्टूडेंट्स को। और इवन दैट दिस गोज सेम बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर भी आप एग्रीकल्चर में ऑफकोर्स पोटेंशियल है, फार्मा है, सब है, बट क्यों नहीं एक्वाकल्चर? अगर जब कंट्री बोल रही है कि एक्वाकल्चर का इतना बड़ा पोटेंशियल है, जब प्राइम मिनिस्टर सर इसे प्रमोट करना चाहते हैं एक लार्ज लेवल पे, जहाँ गुजरात में इतना बड़ा पोटेंशियल बताया है, सो बींग रामकृष्ण इंस्टीट्यूट और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसमें आपको जरूर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके लायक जो भी गाइडेंस है जो भी है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी बींग एन एलुमनाई टू हेल्प द यूनिवर्सिटी एंड एज वेल एज द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल, जैसा आपने तो अपने टॉक में कवर किया ही है कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या क्या तरीके से एक्वाकल्चर में जुड़ सकते हैं, उनके लिए क्या क्या और पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्योंकि विद्यार्थी लेवल के जो भी होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई कितना घर के नज़दीक मिलेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा, सो मुझे थोड़ा सा एक और बार आप रिपीट कर दीजिए कि किस किस जगह पे आपके स्कोप्स है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बीइंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट जाना चाहते हैं एक्वाकल्चर में, तो इंडिया में भी कहाँ कहाँ और स्कोप्स है? सो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप ऐसे ओवरऑल उसे कंसिडर करें तो मैं सबसे पहले एक्वाकल्चर की बात करूंगा, आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात करूंगा, बट एक्वाकल्चर में अगर आप देखें, सो एक्वाकल्चर में एक लैबोरेटरीज भी होती है जहाँ पे आप सैम्पलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, सो आप सॉइल सैम्पलिंग कर सकते हैं, श्रिप में अगर कोई डिजीज हो तो उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी अलग से लैबोरेटरीज होती है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निकल चीज करे तो एक PCR टेस्ट कैरी आउट होते हैं, बेसिक बैक्टीरियल काउंट कितना है, लोड ज्यादा है क्या पानी में, पानी का सैंपल कैसा है, सॉइल में कुछ इन्फेक्टिविटी है, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड लैब्स है इसमें, तो स्टूडेंट्स उसमें भी फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो इवन इसमें मार्केटिंग सेक्टर में भी इसको पेनिट्रेट कर पा रहे हैं एक्वाकल्चर में। तो टेक्निकल पढ़ाई करके दे मेक श्योर कि वो एक दूसरी कोई डिग्री, बिजनेस ओरिएंटेड डिग्री भी करके लोग एक हाई लेवल में मार्केटिंग हेड या फिर सीनियर मार्केटिंग पोजिशन में भी लीड कर रहे हैं एक्वाकल्चर सेक्टर में। अब इसके अलावा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को एक्वाकल्चर के दृष्टिकोण से अगर आप थोड़ा बाहर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में ऑफकोर्स एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर ऑफकोर्स मेरा फोर्टे है, सो दैट इज द रीजन कि आई एम पुटिंग एन एम्फेसिस मोर ऑन इट, बिकॉज इंडिया में अगर आप ऐसे देखा जाए तो एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर के पोटेंशियल में काफ़ी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के पास है, और आप खुद एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। जैसे कि आप, मैं बीच में अभी एक शो देख रहा था शार्क टैंक, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनोवेटिव आइडियाज है लोगों के माइंड में, जो कंसेप्ट है जो, और इवन बायोटेक्नोलॉजी का भी काफ़ी रोल प्ले हो रहा है उसमें। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाहर टैलेंट की कमी तो नहीं है, बट मेरा ऐसा कहना है कि आप टैलेंटेड तो बनी है, बट साथ में ये सब चीज़ें जो है उसे कवर, आपका थरो नॉलेज बहुत बढ़ाई है।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक्सपोजर एक जो चीज है वही आपको आगे बढ़ाने वाली है इसमें। तो आप खुद भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो क्यों ना आप किसी के साथ मिलकर जुल के एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बींग एन बायोटेक्नोलॉजीज, अगर आपके पास सही में एक अच्छा पोटेंशियल प्रोडक्ट है तो आप उसे अच्छे से मार्केटिंग करिए, उसमें आपका नॉलेज बढ़ाइए। अब ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप पूरे इंडिया के कंसिडरेशन में अगर आप लेंगे तो एक्वाकल्चर तो ऑफकोर्स पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड ही है, मेजरली आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए अगर मुझे कोई पूछे तो हाँ, आंध्र प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज आपको कंपेरेटिवली ज्यादा मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है कि गुजरात में नहीं मिलेगी आपको। सो यू कैन इवन बी एन ओन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। मे बी आप खुद एक्वाकल्चर की डिग्री परस्यू नहीं किया हो आपने, बट आप एक्वाकल्चर का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद भी आपके पास आप यू कैन गो टू द योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यू कैन रिक्वेस्ट हिम फॉर ग्रांटिंग यू लैंड, आप फिशरीज डिपार्टमेंट से सबसे माहिती लेके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल कंसिडरिंग एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास काफी अनगिनत चीजें, डेयरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल डेयरी इंडस्ट्री में। आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। फार्मा में अगर आप देखें, किसी को जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है सो ऑफकोर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक फील्ड है, बट उसमें मैं फ्रेंकली मेरा इतना टेक्निकल माहिती नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द फील्ड यू गाइस कैन एक्सप्लोर। बट मेन है कि फार्मा है, एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री है, अलग से पूरा एक इंडस्ट्री है आपके पास, एंड ओवरऑल आप इसमें धीरे 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 करते आप एक्सपोजर ले सकते हैं। काफी बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा इसके लिए मैं इतना बड़ा बात नहीं कर सकता हूँ, बट या शॉर्ट में अगर आप बोले तो ये 3-4 फील्ड है जिसमें आप सही में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी जी, एक और सवाल मैन जी, क्योंकि आप एंटरप्रेनर और एंटरप्रेनरशिप के साथ जुड़े हुए हो, तो थोड़ा सा ये भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप थोड़ी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपने जैसे कवर की है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री संपादन योजना जो है, जो सही में इस तरह के जो एक्वाकल्चर में कुछ चालू अपना एंटरप्रेनरशिप चालू करना चाहते हैं तो उनको योजना का लाभ मिल सकता है, तो वैसी काफी सारी योजना है जो एक्वाकल्चर के लिए ही है, इसके अलावा भी जो स्मॉल स्केल के से लेके हुए लार्ज स्केल तक भी उनको हेल्प कर सकती है, तो थोड़ा और अगर आप उनके ऊपर प्रकाश डाल सके तो। सो एक्वाकल्चर की वन ऑफ द योजनाज में जो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स लैंड अलॉटमेंट ये सब तो काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, वहां पे तो आपका एक्वाकल्चर का डिग्री हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप एक एक्सपोजर लेने के बाद, एक पढ़ाई करने के बाद उसमें जाओगे तो आप गवर्नमेंट को प्ली करोगे तो उस योजना के अंदर आपको ऑफकोर्स डेफिनेटली लाभ मिलेगा। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रीजर्स है, फ्रीजर्स या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, सो गवर्नमेंट इवन उसमें भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप एक फ्रीजर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लीजिए जिसके हेल्प से आप जो लोकल लोग हैं वो डायरेक्टली फिश है, श्रम से जो भी प्रोडक्ट है उसे एक आइस कूल स्टोरेज फ्रीजर में रख के स्टोर रख के अपने डेजिग्नेटेड प्लेस से उसे आप सेल कर सकते हैं। सो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है योजना का, ऐसे अनगिनत बेनिफिट्स है जो आप ले सकते हैं अगर आपके पास काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको श्रिम सीड्स है, जो श्रिम के बेबीज है, उसको प्रोड्यूस करने के आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, सो आप वो भी गवर्नमेंट के पास जाके आप पिच कर सकते हैं और आपको उस योजना में बेनिफिट मिलेगा ही। सो जैसे कि मैम आप पूछ रहे हैं कि काफी अलग अलग टेक्निकल चीजों में आप इसका लाभ ले सकते हैं, मार्केटिंग चीजों में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य जो है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है वो यही है कि फार्मर का इनकम तो बढ़ ही रहा है पर साथ साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि मैंने आप कवर किया कि एक श्रिम पॉन्ड, अगर सपोज एग्जाम्पल आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से फार्म या जो भी है वो मिला है हाइपोथेटिकली, उसके साथ साथ ही जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो भी लोग आ रहे हैं उन सबका एक साथ क्यूमुलेटिवली बेनिफिट हो रहा है, और ये बहुत ही सही समय है जो ये योजना इतनी बड़ी जो आई है, जो गवर्नमेंट ने अप्रोच दिया है, सो क्यों ना इसका लाभ नहीं लिया जाए। मेरा तो ऐसा कहना है कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स शुड ट्राई, स्टूडेंट्स शुड एटलीस्ट ट्राई। मेन मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर ट्राई किए कि बिना खाली सोच के कोई होने नहीं वाला है, अगर आप थोड़ा ट्राई तो करोगे। मैं मानता हूँ सबके अपने एक लिमिटेशन होते हैं, किसी के पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे, किसी के पास होंगे भी मे बी किसी के लिए ये चीज सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्राई। जैसे गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ माई फादर डॉक्टर मनोज शर्मा, सो ही व्हेन ही केम टू गुजरात, ही बिकेम पार्ट ऑफ गुजरात इन 94, जहाँ पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि लोग समझना कि कैसे श्रिम फॉर्म हो सकते हैं, क्या श्रिम सही में ग्रो हो सकता है, तो ऐसे डाउट जो थे वो समय पे भी ही मेड इज बेस्ट, ही ट्राइड। और आज जब आप देखोगे कि इतने मोर देन 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपीज की इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है गुजरात में, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सेम वे जैसे बायोटेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेटेड चीजें जो है, सो वो भी आप एक्वाकल्चर सेक्टर में ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। अगर आप एक्वाकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प होने वाली है इस सेक्टर में, तो आप उसके लिए भी कुछ प्रोविजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी डेजिग्नेटेड बॉडी है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिशरीज बॉडी है,
अब बायोटेक्नोलॉजी की खुद की अलग से बॉडी है, बट मेन चीज इसमें क्या मैम कि कभी कभी लोगों को गाइडेंस उतना सही से नहीं मिलता, लाइक एज यू सेड, बट द बेस्ट थिंग ऑलवेज इज कि अगर एक्वाकल्चर का मार्गदर्शन मैं अच्छी से दे सकता हूँ तो बेस्ट वुड भी कि आप डेजिग्नेटेड फिशरीज ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इवन कुड बी एनी ऑफिशियल्स और मे बी एल्यूमनाइज लाइक अस, मैं हूँ, काफी दूसरे भी एक्वाकल्चर के सीनियर्स होंगे, मुझसे भी सीनियर्स, जो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को कंसिडर किए तो ऑफकोर्स मैं तो हूँ ही एक एल्यूमनाइज, ऐसे काफी एल्यूमनाइज है वाइड स्प्रेड इंडिया में जो टेक्निकल भी कर रहे हैं और दूसरे लेवल्स में कहीं कहीं इन्वॉल्व है अलग अलग वेज में, सम ऑफ देम आर वेल वेरी सेटल्ड इन फॉरेन एज वेल। सो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ट्राई जरूर करिए, ये सब ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टिंग सब है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट उसको पुश करिए खुद को इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। जी, अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे, आप अपनी कोई गुड मेमोरी शेयर कीजिए जो आपने कॉलेज में कभी कहीं आपको याद रह गई हो, कोई भी गुड मेमोरी। ऐसे तो मैम ओवरऑल माय 3 years were very good and I am really thankful, उसके लिए मैं सही में धन्यवाद करना चाहूंगा रामकृष्ण इंस्टीट्यूट को और सार्वजनिक यूनिवर्सिटी को भी, बट आई थिंक माय गुड मेमोरीज वुड बी ऑफकोर्स लेबोरेटरी, आई रियली हैड अ गुड टाइम इन ऑल द लेबोरेटरीज, जो भी अगर एनिमल साइंस की लैब हो या माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड लैब हो, सो दैट वॉज द मेन टाइम जहाँ पे एक अच्छे टेक्निकल चीजों के साथ साथ भी क्या पोटेंशियल है बायोटेक्नोलॉजी को समझ में आता था, जहाँ पे ऑफकोर्स प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन काफी फ्रूटफुल होते थे, तो मेरे लिए वो काफी एक अच्छा एनवायरमेंट ओरिएंटेड प्लेस थी। और दूसरा अगर ऑन द लाइटर नोट टेक्निकल चीजों को असाइड रखें, सो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी एज इन पूरा कैंपस ही इतना हमारा अच्छा है, सो वही एक फ्रेंड्स के साथ मिलजुलना सीखना करना, सो इट वॉज ओवरऑल वेरी वंडरफुल। ज्यादा डीप में तो मैं नहीं बोल सकता इट्स बीन अ व्हाइल, बट स्टिल मैम ओवरऑल तो मेरा यही मेरी अच्छी मेमोरी है यूनिवर्सिटी को लेकर। जी 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 जी, तो मयंक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट की ओर से, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपना टाइम निकाल के एज एन एलमनाई हमारे साथ जुड़े, विद्यार्थियों को इतना प्रोत्साहन दिया, उनको सही सही इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी करियर बना सकते हैं, और कैसे एक्वा कल्चर में कितनी सारी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है जिसको वो एक्सप्लोर करके अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं। तो मैं जी, और मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस है, मे बी थोड़ा फास्ट कवर हो गया होगा कुछ टॉपिक्स, तो अगर आपको कुछ डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आप नताशा मैम से भी आप ले सकते हैं कॉन्टेक्ट, एंड यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री एनी टाइम, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एज एन एलुमनाई टू the university students. So thank you so much. Thank you, ma'am. So Datasha Kantaria, Sri Ramakrishna Institute Assistant Professor की ओर से धन्यवाद मैं एक और बार, और हम वापस से इसी तरह के और टॉक के साथ सैटरडे को मिलेंगे, तब तक के लिए हम और आप दोनों सुरक्षित रहें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।